जय माँ पार्वती वेलकम फ्रेंड्स वेलकम टू श्री क्राफ्ट प्लेस आज की वीडियो में हम आपको देवी पार्वती जी का स्वरूप बनाना सिखाएंगे जो कि हम टीवी सीरियल महाकाली जो सीरियल आता है उसी का हम कोशिश कर रहे हैं बनाने की तो आई होप आपको पसंद आएगा तो चलिए देखते हैं तो यहाँ पर हम बार्बी डॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं ये डॉल बहुत ही ईजीली मार्केट में मिल जाती है और ये बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है तो ये देखिए पहले तो हम यहाँ पर बाल निकालेंगे क्योंकि आप देख रहे हैं डॉल के बाल तो गोल्डन कलर के हैं तो हम यहाँ पर एक अलग से विग बनाने वाले हैं क्योंकि हमें बहुत ही लंबे काले बाल दिखाने हैं तो उससे पहले थोड़ा हम मेक ओवर कर लेते हैं यहाँ पर हम एक्रिलिक पेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि हम बिंदी और हाथ में आलता दिखा रहे हैं लगा रहे हैं हाथ में हम दिखाएंगे और पाओ में भी हमें बनाना है तो ये सब जगह हो चुका है आईब्रो को थोड़ा सा हम और थिक कर देते हैं और आइज़ को भी थोड़ा सा और डोमिनेंट आप देख रहे हैं डॉल का ये थोड़ा सा ये ब्लू कलर है तो हमें थोड़ा सा ब्राउन कर दिया और बिंदी के अराउंड यहाँ पर थोड़ा सा मेकओवर है वाइट कलर से जैसा कि हमने इमेज में देखा है तो वो हम यहाँ पर कर रहे हैं और हेड यहाँ पर बेस हम ब्लैक कलर से पेंट कर रहे हैं क्योंकि बाल तो हमें बनाने हैं पर उससे पहले बेस रेडी करना है तो अब यहाँ पर हम विग बनाएंगे तो विग बनाने के लिए हम ऊन का इस्तेमाल कर रहे हैं एक स्पेसिफिक लेंथ ले लेंगे हम ऊन की वो लेंथ हम डॉल के साइज के हिसाब से सेट करते हैं जिसका आपको अभी आइडिया लग जाएगा तो हमने अपने हिसाब से ले ली है ध्यान रखें कि जब आप पार्वती माता का स्वरूप बना रहे हैं तो बाल बहुत लंबे हों तो और अच्छा लगेगा तो इस तरीके से हम नॉट्स बनाते जाएंगे एक स्टिक की हेल्प से या कोई आप पेंट ब्रश के पीछे भी डाल सकते हैं इसे तो ये हमारा यहाँ पर एक एक करके हम सारे नॉट्स बांधते जाएंगे और एक जितने भी हमें थिकनेस चाहिए उसको बनाने के बाद ग्लू लगाकर इसे ड्राई होने के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे तो ये देखिए हमारा ड्राई हो चुका है कुछ इस तरीके से तो अब हम इसे टू पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड कर देंगे सेंटर से लेकर तो हमारे दोनों साइड्स के ये जो बिक है वो हमारा तैयार हो चुका है तो अब हमें क्या करना है जब हमारा पेंट अच्छे से ड्राई हो जाए तो हमें इस तरीके से हमें यहाँ पर सेट करना है तो अब यहाँ पर पहले हम ग्लू लगा देंगे तो मैं यहाँ हॉट ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ इंस्टेंट ग्लू आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं तो एक बंच को लेकर यहाँ पर हम पहले चिपकाएँगे जब वो अच्छे से सेट हो जाएगा तब हमें दूसरा लेना है और ग्लू लगाना है पहले और फिर हम अपने बंच को लेकर इसमें चिपका देंगे तो इस तरीके से हमारा ये देखिए लंबे बालों वाला जो विग है डॉल का वो तैयार हो गया बहुत ही सिंपल मैथड है ये और सेट करने के लिए हम यहाँ पर जो हेयर स्टाइल उसमें दिखाया गया है वहाँ पार्वती का वो थोड़े से बालों को ट्विस्ट एंड टर्न करके और ग्लू लगा देंगे जिससे कि वो जिस शेप में हमने बनाया है वो उसी शेप में यहाँ पर सेट हो जाए तो एक्जैक्ट वो उसी तरीके का हेयर स्टाइल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा तो दोनों साइज़ हम इसी तरीके से कर देंगे और अब यहाँ पर टॉप हम बना रहे हैं तो वाइट कलर की उनकी पूरी साड़ी ड्रेस रहती है तो हम वाइट कलर से ही यहाँ पर वाइट कलर का कपड़ा लेकर बनाने वाले हैं तो पीछे ग्लू लगा देंगे और चाहे तो आप सुई धागे के इस्तेमाल से भी ये सब काम कर सकते हैं अगर आपको सुई धागा चलाना आता है अब ये देखिए यहाँ पर इसे हम इस तरीके से चिपका देंगे और अब ये साड़ी का लहंगा या जो भी आप बनाना चाहें आपको बना सकते हैं और क्योंकि वाइट कपड़ा हमारा बिल्कुल प्लेन है तो उसको बॉर्डर देने के लिए हम यहाँ पर लेस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई भी लेस ये मार्केट में इजीली मिल जाती है तो उसे हम चिपका सकते हैं हाँ अगर आपके पास कोई ऐसा वाइट कपड़ा है जिसमें ऑलरेडी गोल्डन कलर का प्रिंट है तो आप उसे डायरेक्टली ले बिना लेस के इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये हम कट कर लेंगे एक्स्ट्रा पार्ट को और पीछे से ले जाते हुए पीछे हम चाहे प्लेन रखें और यहाँ ग्लू लगाते हुए हमें देखिए इसे इस तरीके से प्लेट्स बनानी है और ग्लू के साथ इसे सेट करना है तो हमारा एक बहुत ही अच्छा सा लहंगा साड़ी टाइप बनकर तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स अगर आपको भगवान जी से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस देखनी है जो हमने बनाए हुए हैं शिवजी जी भी बनाए हुए हैं महाकाली का स्वरूप भी बनाए हुए हैं बाबे और बहुत सारी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और जो हमारा सबसे पहला कमेंट है पिन उस किया हुआ है उसका लिंक को प्रेस कर लोगे तो भी आ जाएगा और हमारे चैनल को आप क्लिक करोगे तो तो सारी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे तो आप देख सकते हैं इसलिए तो देखिए हमारी वो तैयार हो चुकी है अब इस ड्रेस की जो लहंगा या साड़ी आप कह लीजिए उसके ऊपर हमने देखा है इस कपड़े पर जग्जेक्ट इस तरीके से बना हुआ है तो हम दो स्ट्राइप्स हमने पट्टी सेम वाइट कपड़े से ही ले लिया है और उसको इस तरीके से हम यहाँ पर लेस को अपनी चिपकाते जाएंगे तो ये जो लेस है ये बहुत ब्रॉड नहीं है बहुत ही नैर मतलब थिन है तो उससे बहुत अच्छा लुक आएगा तो दोनों हमें इसी तरीके से सेट करना है तो अब यहाँ पर हम ग्लू लगा देंगे तो आप देखेंगे कि एग्जैक्ट वैसे ही हमारा ये लुक आएगा इससे जैसा कि हम देखते हैं पार्वती माता की ड्रेस में तो ये हमारा दोनों को हम यहाँ पर चिपका देंगे और अब यहाँ देख रहे हैं इसमें भी हम यहाँ पर लेस लगा देंगे सेम लेस और दोनों साइड्स में तो अब ये हमारा जो फ्रंट पार्ट जो कवर करता है पीछे से आता हुआ तो यहाँ पर हम सेट कर देंगे ग्लू लगा कर और पीछे को ये जो हमारा दुपट्टा टाइप पीछे हैं रहता है या साड़ी का आप कह सकते हैं पल्लू वो पीछे थोड़ा लंबा लेंथ का हो तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा उसको हम इस तरीके से सेट कर लेंगे और ग्लू लगा कर फिक्स कर देंगे तो ये देखिए अच्छे से हमारा सेट हो चुका है और अब ये एक पार्ट जो पीछे से आते हुए हमें आगे की तरफ इसे स्टिक करना है तो ये थोड़ा सा टाइट होना चाहिए और कुछ इस तरीके की शेप है एक्स्ट्रा कपड़े को हम यहाँ पर कट कर लेंगे तो ग्लू लगा हम सेट कर देंगे एक साइड से और दूसरा पार्ट भी हम ग्लू से ही सेट करने वाले हैं और जो एक्स्ट्रा पार्ट कपड़ा होगा हम उसे कट कर देंगे तो ये हमारा हो चुका है और अब लेस से ही हम इसकी बॉर्डर बना देंगे तो आप देख रहे हैं जो लेस है हमने दो तीन तरह की लेस ख़रीदी हुई है मार्केट से उसी का इस्तेमाल से ही हम मोस्टली हमारी जो ऑर्नामेंट्स है या फिर डेकोरेशन का पार्ट है वो उससे कर देंगे तो ये एक और लेस है जिससे हमने वेस्ट बेल्ट बना दी थी अब लेस को ही हमने कुछ इस तरीके से काट दिया है जो उनकी साड़ी में जो प्रिंट है आपने देखा ही होगा इस तरीके से ट्राइंगल्स कुछ बने हुए हैं जो फ्रंट पार्ट को डेकोरेट करता है और ये बॉर्डर जैसा है तो ये देखिए बिल्कुल वैसे ही लग रहा है और अब यहाँ पर हम एंगल्स का जो लुक है देने के लिए लेस को ही हाथ के जो हमारी रिस्ट है उसके अराउंड चिपका देंगे तो दोनों सेट हो चुके हैं और रिंग्स का टच देने के लिए मेरे पास एक छोटे से स्टोन है राइन स्टोन या बिंदी है आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं ये बॉल चेन है और ये लेस ही है लेस को हम चोकर के टाइप में चोकर जो नेकलेस होता है उस शेप में कट कर लेंगे और नेक के अराउंड हम यहाँ पर ग्लू लगा देंगे ये देखिए एग्जैक्ट किसी शेप का हमें देखने को मिलता है तो यहाँ पर हम ग्लू लगा कर इसे चिपका देंगे तो ये देखिए हमारा नेकलेस यहाँ पर सेट हो चुका है चोकर अब इसके नीचे भी हम यहाँ पर हमें बनाना है क्योंकि इतना छोटा छोटा है तो हम बॉल चेन का इस्तेमाल करेंगे ये बहुत ही अच्छा लुक भी देगा और एकदम रियलिस्टिक हमारा नेकलेस भी हमें देखने के लिए मिलेगा फ्रेंड्स आज की वीडियो का क्विज़ ये है आपको हमें ये बताना है कि जो पार्वती माता हैं उनकी बड़ी बहन का नाम क्या है जी हाँ बहुत कम लोग आई थिंक जानते होंगे बट आप गूगल करेंगे या कोई बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पार्वती माता के सिस्टर का नाम क्या है तो हमें एज यूजल कमेंट बॉक्स में बताइएगा जैसे कि हर वीडियो में हम आपको पूछते हैं और आपका इतना अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो आज की वीडियो के लिए भी आप हमें ज़रूर बताइएगा कि पार्वती माता की बहन का नाम क्या है क्योंकि ये बाबी डॉल आप देख रहे हैं ये बहुत एक्सपेंसिव वाली नहीं है तो इसकी हैंड जो बाजू है वो बहुत बेंड भी नहीं होते हैं तो इसलिए हमने ग्लू लगाकर कुछ इस तरीके से हाथ को सेट कर दिया था कि वो लगे कि वो आशीर्वाद देते हुए हैं तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं हम कान में जो है कुछ स्टोन्स लगाकर इयर का लुक दे रहे हैं और माथा पे जो टीका बनाया जाता है चेन से बॉल चेन से ही हम यहाँ पर बहुत ही केयरफुली स्टिक कर देंगे फ्रेंड्स जो ये ईयर के लिए अगर आपको ये स्टोन्स ना मिले तो आप बिंदी कोई फैंसी बिंदी होती है उसको भी यहाँ पर चिपका सकते हैं क्योंकि तो ये देखिए जो टीका हम बना रहे हैं वो दो लेयर्स वाला है अब मुकुट की शेप में हम इससे जो हमारी लेस है उसको कट कर देंगे सेम उसी तरीके के मुकुट को जैसा कि हमने टीवी में देखा है तो एक्जैक्टली exactly, ये देखिए इतना इजी आपको मुकुट बनाने के लिए कहीं नहीं मिलेगा सिर्फ लेस को हमें मुकुट के शेप में कट करना है कोई फैंसी स्टोन्स नहीं लगाने हैं कोई डेकोरेशन नहीं करनी है जस्ट जिस शेप में है उस शेप में हम इसे कट कर देंगे और अपने मुकुट को यहाँ पर सेट कर देंगे तो ये देखिए बन गया है और जो टीके का जो फ्रंट पार्ट रहता है सेंटर पार्ट उसको भी हम लेस को थिन हमने कट कर लिया है और यहाँ पर चिपका देंगे और नथ बनाने के लिए हम जंप रिंग को बॉल चेन से कनेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर उसको चिपका देंगे बहुत ही ध्यान से तो देखिए हमारी जो पार्वती माँ है उनका स्वरूप बनकर तैयार हो चुका है महाकाली सीरियल के हिसाब से हमने यहाँ बनाया हुआ है तो आई होप आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी क्योंकि जब हमने शिवजी जी का स्वरूप बनाया था तो बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप प्लीज़ पार्वती माता का स्वरूप भी बनाइएगा तो जिन जिन लोगों के रिक्वेस्ट थे आई होप उनको ये पसंद आई वीडियो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप हमारे नए व्यूवर्स हैं नई हमारे पहली बार आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं बहुत सारी वीडियोस आपको आने वाली मिलेंगी अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे बेल बटन के साथ तो माँ पार्वती आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कीप वॉचिंग बाय ठीक केयर